रहमान रहीम जी, दोपहर का टाइम हो चुका है। अभी बनाने लगी हूँ अंडा बच्चों के लिए। मेरे बेटे ने सुबह की रोटी खाई नहीं, मुझे कहता मुझे अंडा बना के दो, मैं उसके साथ खाऊँगी खाऊँगा। तो अभी उसके लिए अंडा बनाने लगी हूँ। घी गर्म हो चुका कढ़ाई में, डाल दिया मैंने गैस में, बना देती हूँ। दो बनाए हैं, एक कश्मीर के लिए, एक अमेमा और कबीर के लिए, क्योंकि जब वो अंडा देखेंगे उनको भी भूख लग जाएगी। जी अंडा सही हो चुका है, अभी रोटियाँ पड़ गई पकाई हुई, जी बैठ के खा लेते हैं। नींबू की चिकन भी, बच्चे स्कूल से आए तो बाल्टी भर के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैर खरिया से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी खैर खरिया से हैं। तो जी करते हैं जी आज की वीडियो शुरू। शाम का टाइम हो चुका है, नमाज पढ़ के आती हूँ। तो अभी मैंने कहा सब्जी ली है, ली है आज जी गोभी, गोभी है जे वाली। मैं तेरे पता मैं कितना खुश हूँ। क्यों गोभी लाई है? मैं सुबह सुबह दौड़ी है गोभी और पराठे में मेरे मां दा और मम्मा नानी की ना छोड़े ना गोभी दा पराठे बना दी है। नानी से नाल तनी ना सिर और सकते जिथे नानी तेरी जीड़ी चीज बनांदी ओ जैका साडे हाथ दे। ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਭੈਣ ਆਏ ਚਾ ਹਾਂ, ਚੌਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੈਕਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਵਹੀ ਵੀ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਵਹੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਔਰ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਵਹੀ ਦਾ ਟੇਸਟ ਜੈਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੰਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ ਨਾਨੀ ਅੰਮੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਨੀ ਅਭੀ ਐ ਪਾਪਾ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਪਰਾਠੇ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਪਾ ਤੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਉਹ ਸੀਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਾਨੀ ਅੰਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰਾਠੇ। ਨਾਨੀ ਅੰਮੀ ਸਾਡੀ ਨਾਨੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਲੱਸੀ ਦਾ, ਰੋਟੀ ਪਰਾਠਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਲਣ ਦਾ। ਨਾਨੀ ਅੰਮੀ ਹੱਥ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸ਼ੀਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। मम्मा नानी अम्मी मामा ने आधा पल्ली किस तरह का बनेगा? मामा आज गोभी पकाएंगे हैं? आज गोभी पका के और खोवा भी दी अब मैं मिर्चे कट पाई मेरे बच्चे राम मेरे बच्चे आधे मिर्चे पाउडर में गोभी में सारे के मिर्चे पाउडर के सारे के ये ना पूरा मुझ पाक तो नठे मेरे रुमाल की थे कूलर ही ना लपे पानी वाला कूलर से पा दे फिर मिर्चे पा दे निकलना ਆਹ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਮੰਮਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਗੋਭੀ ਦੇ ਪਰਾਠੇ ਤਮ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਂਟੀ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਵਸੇ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਵਸੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਪਰਾਠੇ ਪਰੂਠੇ ਤੇ ਸਮੋਸੇ ਪਕੌੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਦਾ ਨੱਕ ਦੇ ਕਿਧਰੋਂ ਜਾਣਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਛਿੱਲਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਕਿ ਗੋਭੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੋਭੀ ਹੈ ਨਾ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ ਬਾਈ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਪਿਸਟ ਪਾ ਮੰਮਾ ਇਹ
सुबह पास बचनी को नहीं है आज सुबह पास बचनी को नहीं आ जड़ियां नवियां मिर्चा सब सब दे रख लेगी ना जड़ियां दूसरियां ना ना पाल दने ये भी नाल पानी है फिर तू पकाने सालन में बैठ मैं मजियां छत चाल लेनी में कभी मेरी बेटी बड़ी होएगी ना फिर मेनु टेंशन नहीं होया कर रोटी पकड़ी देर वो मैं चाल लेनी कर पापा अपने आना करने ना पापा आके सो जाना करना चाढ़ लेंगे मोटर लाला करके बची गई मोटर साड़ी सड़न लगी से पर बच गई पखा चलता चलता रुक गया इस वास्ते बिजली ने लाया झटका फ्रिज ते मैं डर गई थी फ्रिज भी गई ते हर चीज गई एलसीडी भी हर चीज चलती पई उस तरह कपड़े धोंदी लेट हो गई हाथ दे नाल ही धोते मैं बैठ के मेरा मन मेरा हिंदी मसालों की बनाई हो चुकी है अभी इसमें आलू और गोभी ऐड करती हूँ इसको मिक्स करती हूँ अच्छी तरह आलू और गोभी की भी नहीं करती जी की हो रहा और कर लिया तो अपना अब पखे ना हवा ना फट जाएंगे दस ना जड़े अपने अपने लाओ सारे अच्छा साब लान दी है मैं हूँ चलो क्या अपना होमवर्क जल्दी कंप्लीट कर मन ने राम जी सालन तैयार हो चुका है तो अभी नमाज पढ़ के हटी हूँ बनानी है रोटियाँ मगर अब की अजान काफ़ी देर की हो चुकी नमाज मैंने पढ़ ली अभी बनाती हूँ रोटियाँ फिर बैठ के हम सारी फैमिली खाएंगे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम भी खाना शाना खा लिए आए हैं छत पे छत पे बहुत ठंडी हवा चल रही है ठंडी ठंडी काफ़ी तेज़ हवा है काफ़ी मज़ा आ रहा है तो अभी वीडियो का एंड इधर ही करते हैं जो हमारी आज की वीडियो जिन बहन भाइयों को पसंद आई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़।